दोस्तों, अगर आपको एयरफोर्स में अगर जॉब लेनी है तो ये मौका आ गया है भाई। वैकेंसी है एफ कैट की। एफ कैट मतलब एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। भाई अगर आपको ये ऑफिसर बनना है तो आपको मौका आ गया है। इस वीडियो में कंप्लीट शेयर करूंगा आप लोग से, एग्जाम पैटर्न, सैलरी सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो अंत तक देखना नहीं तो आप भूल जाओगे, और सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो दोस्तों, वैकेंसी है एफ कैट की, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की। 30 मई से आपको ये अप्लाई डेट आया हुआ है और 28 जून तक आपको ये क्लोजिंग डेट है। दोस्तों, अगर आप 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हुए हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज आपका 20 से 26 ईयर रहना चाहिए। दोस्तों, ड्यूटी फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटीज की है, तो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के सैलरी आपको 96,524 रुपये आपको ये सैलरी होती है ग्राउंड ड्यूटी की, और फ्लाइंग ऑफिसर में आपको 1,22,000 की सैलरी नेटवर्क टोटल सैलरी आपको होती है। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी है आप लोग के लिए। तो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न आपको टोटल 100 क्वेश्चन की रहेंगे, 300 मिनट मिलेगा, जिसमें दोस्तों वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश 30 क्वेश्चन की रहेगी, 90 मिनट की रहेगी। जनरल अवेयरनेस आपको 25 क्वेश्चन की रहेगी, 75 मिनट की रहेगी। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड रहेगी 25 क्वेश्चन, 75 मिनट की रहेगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको 20 क्वेश्चन रहेगी, 60 मिनट की रहेगी। तो टोटल आपको 300 मिनट का 100 क्वेश्चन करनी है। दोस्तों, इसका एग्जाम कंडक्ट आपको IAF यानी इंडियन एयरफोर्स ही कर रहा है। टोटल 304 वैकेंसी है, इसमें फ़ी आपको 250 देखने को मिल जाता है, एप्लीकेशन फ़ी। अप्रोक्स 102 सिटीज में आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपको इसका एग्ज़ाम होगा। आप इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आप ये दिए गए ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल वेबसाइट दे दूँगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये ऑफिसर बनना है तो मौका आ गया है। फ्लाइंग और नॉन टेक्निकल के ऊपर आप फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटीज़ के पे आप ड्यूटीज कर सकते हो, सैलरी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों, 30 मई से आपका फॉर्म फिलअप का डेट है, तो आप भर दीजिएगा। अगर आप 20 ईयर से 26 ईयर है, अगर आप 12th या ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, एफ कैट एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो 30 मई से 28 जून तक ये फॉर्म रहेगा, तो आप जाके जल्दी से आप अगर 30 मई के बाद ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो एयरफोर्स में आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए सुनहरा मौका है, तो जल्दी से अप्लाई करिए। एग्ज़ाम आपको फरवरी या अगस्त सितंबर में आपको हो जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।